पर सेकंड के अंतर्गत प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत आता है ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आप लोगों को समुदाय के बारे में बड़ा अच्छे तरीके से बताया था कि पहले समुदाय के बारे में जानना समुदाय में रहने वाले जो सदस्य होते हैं जो उनका रहन सहन भोजन धर्म इत्यादि जो भी चीज़ें होती हैं वह एक सामान्यता के रूप में हम लोग देखते हैं हम सभी लोग देखते हैं और समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्रों को कहते हैं जिसमें सामाजिक संबंध और सामंजस्य की बात हो रही हो ठीक है जहां सामंजस्य की बात हो रही है। जहां किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की बात की जा रही हो और ऐसी गतिविधि बात हो रही हो जो सिमिलर सभी के लिए हो रहा हो मतलब एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है और वहां पर कॉमन मतलब सबके लिए एक ही एक एक्टिविटी हो रही है तो सभी के फायदे के लिए काम हो रहा है तो ऐसी कंडीशन पे आप कह सकते हैं ये कम्युनिटी है ये समुदाय है तो समुदाय किसी निश्चित भूभाग की सीमा पर या आप ये कह लीजिए कि वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जहाँ पे सामान्य जीवन व्यतीत करते वही समुदाय होता है बस सिंपल सी बात है और समुदाय में अगर आप इसकी कम्युनिटी अगर आप इसकी इंग्लिश करेंगे तो कम्युनिटी होता है तो देखो कई बार आप लोगों ने प्रश्न भी देखा लैटिन भाषा से देखा ग्रीक भाषा से देखा मैं सियारी प्रोग्राम कर रहा हूँ इस समय तो कम से कम आज छह बार क्वेश्चन मेरे पास आए थे और छह में से ज्यादातर यही पूछे गए थे लैटिन भाषा से लिया गया है ग्रीक भाषा से लिया गया है किसी भी शब्द शब्दों के बारे में तो ध्यान रखिएगा लैटिन भाषा से लैटिन भाषा के कॉम प्लस म्यूज शब्दों से बना हुआ है और कॉम का अर्थ होता है टूगेदर और म्यूज का जो अर्थ होता है एक प्रकार का सर्विंग या एक प्रकार का सर्व जिसको आप कहते हैं सेवा देना या सेवा करना बस सिंपल है यानी आप अगर एक साथ मिलकर सेवा प्रोवाइड करते हैं, वही समुदाय है अभी मैं परिभाषा में यही बोल रहा था आप लोगों से ना कि एक सामान्य जीवन जहाँ पर व्यतीत हो रहा है जहाँ पर गतिविधियाँ हित जो है केंद्र बनाकर उसके जीवन के बारे में या उसके संपूर्ण जीवन के उत्थान करने की बात की जा रही है समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात की जा रही है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में तो वही तो समुदाय है तो एक साथ मिलकर सेवा प्रोवाइड करना वो कम्युनिटी होता है तो टू अगर हम बात करें टूगेदर प्लस सर्व दोनों को इसने क्या कर दिया है जोड़ दिया है और जोड़ कर इसने बताया कि एक साथ सेवा प्रोवाइड करता है ये इसका अर्थ होता है ठीक ध्यान रखिएगा ये फैक्ट के रूप में पूछ लेता है कि समुदाय का तात्पर्य या समुदाय का शाब्दिक अर्थ ऐसे पूछ लेता है तो वहां पर जरूर लिखा मिलेगा आप लोगों से है ना अब समुदाय के बारे में अगर हम बात करें परिभाषा के बारे में तो थोड़ा सा यहाँ पर समझिए समुदाय अच्छा कम्युनिटी में आपको मैं बता दू यहाँ पे मैकलीन का भी नाम थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होगा और मुर्रे जी रोस का नाम ध्यान रखना होगा आप सबको थोड़ा सा नाम बता देता हूँ किस किस चीज़ों पर आएगा अभी मैं बताऊंगा भी आप लोगों से है ना और रोथमैन का नाम भी आप लोगों को ध्यान में रखना है ठीक है ये भी इम्पोर्टेंट है ठीक है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है तो ये तीन चार लोग ऐसे हैं बहुत ही फेमस पर्सन है इनका तो नाम आप लोगों को पता होना चाहिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आते ही आते हैं श्योर है इसमें कोई दौरा नहीं है परिभाषा की बात अगर मैं करूं तो मैकाइवर और पेज कहते हैं कि समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे सामाजिक संबद्धता तथा सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके मेरा कहने का तात्पर्य यह, यहाँ पर यह हुआ कि समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र मतलब एक एक उस क्षेत्र का मतलब भौगोलिक क्षेत्र से जहां पर सामाजिक संबंध और साथ ही साथ कह रहा है कि सामंजस्य की कुछ चीजें जैसे कुछ गतिविधियां पाई जा रही है कुछ हितों के बारे में कार्य पाए जा रहे हैं वहां पर सिमिलर पाए जा रहे हैं यह मैकाइवर पेज का कहना था कम्युनिटी में इसका कहने का मतलब था निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के बारे में ठीक है तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र ना लिख कर केवल उसने लिख दिया कि उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर सामाजिक संबद्धता और सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सकता वो होता है कम्युनिटी ठीक है सामाजिक संबंधों का जाल है तो ये भी आप ध्यान रखना है मेकाइबर पेज का ही स्टेटमेंट है ठीक है आगबन अगर हम बात करें आगबन बहुत फेमस है ये फेमस वहां पर था सोशल चेंजेस में ठीक है सोशल चेंजेस में तो इसकी कभी कभी किताब के नाम पूछता है तो आप इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आगबन का अगर किताब का नाम आता है तो 1922 में सोशल चेंज की किताब थी ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा और इसने न्यू मेयर के साथ अपनी परिभाषा किस तरीके से कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कह रहा है कि समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक सन्निकट भौगोलिक क्षेत्र देखो मतलब सबका एक ही निकलेगा सभी परिभाषाओं का किसी का अंत जो है डिफरेंट नहीं जाएगा अलग कि कम्युनिटी आप पढ़ रहे तो ग्रुप को टच करे ठीक है तो ध्यान रखिए यहाँ पर तो यहाँ पे कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र में रहता है जिसकी गतिविधियां हितों के समान केंद्र देखो यहाँ मैं जो बोल रहा था आप लोगों के एक, कॉमन एक्टिविटी होती है और उसके हितों के समान केंद्र होते हैं जो जीवन के प्रमुख कार्यों के इकट्ठे मिलकर कार्य करते हैं वो होता है समुदाय और ये बात आगबन और न्यू मेयर ने कहा है ठीक है इस परिभाषा से तो स्पष्ट हो गया होगा कि समुदाय कहते किसे हैं आप लोगों को है ना तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा बोगाट्स का नाम थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट है बोगाट्स भी और बोगार्स ने हम की भावना सामाजिक दूरी जैसे अगर कभी प्रश्न आता है कॉन्सेप्ट का लेकर भी कि सामाजिक दूरी के बारे में किस विद्वान ने चर्चा किया है तो बोगार्स का ही नाम आता है हम की भावना दायित्व की भावना निर्भरता की भावना जो है ये जितनी भावनाएं हैं ये सभी के सभी भावनाएं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में ही पाई जाती हैं बस इतनी बात सोचिए ठीक है तो कम्युनिटी यहाँ पर जो कह रहा हूँ मैं कि समुदाय में बोगार्स ने कहा कि एक सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना कि कुछ मात्रा हो और एक निश्चित क्षेत्र में रहता हो तो जैसे देखिए अगर मैं आपसे बात करूं समुदाय के लोग कैसे लोग होते हैं जैसे जहां आपका गांव होगा आप वहां पे चले जाइए तो आपके गांव में ऐसे नहीं कहते होंगे कि ये भाई ये मेरा काम है ठीक है ये हम मेरे घर पे अगर शादी हुई तो ऐसे कुछ नहीं बोलता भाई कोई व्यक्ति कि चलो उसका काम है वो ही करेगा ठीक है वहाँ हम की भावना पाई जाती है एक दूसरे के लोग क्या करते हैं मदद करते हैं वहाँ हम की भावना पाई जाती गांव वगैरह में मलिन बस्तियों वगैरह में पाई जाती जनजातियों वगैरह में पाई जाती हम की भावना ठीक है अगर वहाँ पे कोई भी ट्रेजरी हो जाती है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है शहर में कुछ हो जाए तो तुम्हारे बगल पड़ोसी के घर में कुछ अगर हुआ है तो आपसे कोई मतलब ही नहीं है, है ना और अगर आप चले भी गए मानवतावश भी तो उनको बुरा लगेगा जिनके यहाँ आप गए हैं है ना मान होता बस अगर आपने सोचा चलो छह में चला जाता लेकिन ये सारी चीजें आज का समय जो है बदलता जा रहा है समय बदलते जा रहे हैं है ना चेंजेस तो बहुत कुछ हो रहा है लोग जागरूक तो हो रहे हैं अच्छी बात है लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट भी आ रहे हैं लोगों के अंदर ठीक है ये भी चीज आपको ध्यान रखना है जी हर्पोगार्ड ने सामाजिक दूरी की बात करी है जी और अकबरन ने सोशल चेंज बुक लिखी है। हाँ सामाजिक परिवर्तन के बारे में बोला भी है इसने सामाजिक परिवर्तन के बारे में स्टेटमेंट मतलब दोनों लोग ही सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक दूरी की बात करते हैं क्या सर नहीं, नहीं, नहीं दोनों अलग है ये सामाजिक परिवर्तन मतलब जहाँ पे समाज में परिवर्तन चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में बात करता है और यहाँ जो बोगार्ड्स है ये इसका मापन सामाजिक दूरी का मापन है उसके मापन लाया था तो वो मापन इसका है कि किस तरीके से हम मापन के माध्यम से हम लोगों के बारे में जान सकते हैं कि भाई इसके आई कितना है इसका मतलब व्यवहार क्या चीज़ है इसकी कौन कौन सी क्रियाविधि हैं ये बोगार्ड्स का है ठीक है

वो अलग मिलेगा आपको सामाजिक परिवर्तन जब पड़ेंगे तो वहाँ पे अलग मिलेगा नाग आगबन मिलेगा फिर वहाँ पे मैं शायद ये बोलूंगा आप लोगों को कि समुदाय में इसने कहा था सीमित क्षेत्रों के भीतर में सामाजिक जीवन होना चाहिए आग बन का ठीक तो मैं वहाँ पर ये बा, ये बातें बता दूंगा कि आप थोड़ा सा उसको भी सोच लीजिए कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है या कम्युनिटी क्या है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ अगर हम बात करें आगवर्ण के बारे में आगबन और निमकाफ के बारे में तो इसने कहा कि समुदाय किसी सीमित क्षेत्र के भीतर सामुदायिक जीवन का पूर्ण संगठन माना है ठीक है यहां परिभाषा में अकबर अपने कहता है कि एक सीमित क्षेत्र होगा और सीमित क्षेत्र एक निश्चित भू भौगोलिक क्षेत्र को प्रेजेंट करता है और फिर अगर मैं आपसे बात करूं तो फिर आपसे कहता है कि वो भू भौगोलिक क्षेत्र जैसे वह भू क्षेत्र जो क्षेत्र की सीमा के बारे में ठीक है जहां पर क्षेत्र के सीमा के बारे में जहां सामाजिक जीवन के बारे में एक पूर्ण संगठन के रूप में देखा जा रहा है वही कहलाता है आपका क्या आपका वो कहलाता है सामुदायिक संगठन या समुदाय देखिए किसी का ही कौर आ रहा है क्या मैं से? तो मैं आपसे कह रहा था कि आगमन और निमकाप कहता है कि भाई किसी निश्चित क्षेत्र के भीतर जो सामाजिक जीवन है उसके पूर्ण संगठन है वो संगठन जो एक भौगोलिक क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनका संगठन ही ये समुदाय को रिप्रेजेंट कर देता है ये समुदाय वाले हैं ठीक है ये चीज़ें हैं इसको भी आपको ध्यान रखना है बाकी मजुमदार समाजशास्त्र में बहुत फेमस है यहाँ आप लोगों से कम्युनिटी uh, में प्रश्न नहीं बनाया जाएगा ये भी आपको ध्यान रखना है, है ना ये तो थोड़ा सा अगर आप मेन्स वगैरह लिखते तो मैं आपको कहता कि मजुमदार के बारे में थोड़ा सा लिखिए है, है ना किंग्सले डेविस ये किंग्सले डेविस हैं इनका नाम आता है समूहकारी के जो वर्गीकरण किया गया था द्वितीयक समूह के बारे में जो टाइप बताया गया था उसमें इसका नाम आता है द्वितीयक समूह के बारे में डेविस ने बोला था और समुदाय में यह कहता है कि एक समुदाय का एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें या उसके अंतर्गत या जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश होता है वह समुदाय कहलाता है तो समुदाय की परिभाषा एक छोटे क्षेत्रीय से बात चाहे आप सीमित कहो चाहे आप निश्चित बोलो चाहे आप क्षेत्रीय समूह बोलो ये सारी की सारी बातें रिप्रेजेंट करती हैं एक निश्चित भू भौगोलिक भो, क्षेत्र के बारे में ठीक है तो ध्यान रखिएगा ठीक है तो ये चीजें हैं की वर्ड्स हैं भू भौगोलिक क्षेत्र याद रखिएगा यही आपका काम आने वाला है एग्जाम में है ना केवल भौगोलिक क्षेत्र ही याद रखेंगे तब भी आप इजिली कर पाएंगे अगर हम बात करें समुदाय के बारे में ठीक है समुदाय यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई एक बार बता दीजिए अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो कहीं से कोई प्रॉब्लम वगैरह आपके मन में अगर आ रही हो तो आप पूछ लीजिए तक कोई दिक्कत तो नहीं है नो सर चलो फिर बहुत बढ़िया है बहुत अच्छी बात है हाँ सर, हाँ बोलिए जो अपना सामुदायिक समाज कार्य है वो एक प्रकार से भू भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत ही सारी चीजें होती है हाँ बिल्कुल क्योंकि समुदाय के ही अंतर्गत वो सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व होती है उसके अगर हम बात करें तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र ही होता है जहाँ पे समुदाय होता है समुदाय समूह में नहीं होता मतलब समूह के लोग थोड़ी ना होते हैं आप उसको नहीं बोल सकते ना निश्चित भौगोलिक का समूह अब वहां तो समूह कल का हट जाएगा लेकिन जो समुदाय वहां से थोड़ी ना हटेगा तो एक निश्चित भूभौगोलिक क्षेत्र है उसका समुदाय का ठीक है हाँ तो ये चीजें हैं ठीक है चलो आगे बढ़े फिर क्लियर हो गया होगा इतनी बातें तो आप सभी लोगों को फिर मैं आगे बढ़ता हूँ चलो ठीक है भाई तो समुदाय भी बेसिकली कई टाइप में भी डिवाइड हुआ है आप सबको बता देता हूं मैं समुदाय एक ग्रामीण समुदाय है एक नगरीय समुदाय है ग्रामीण मतलब गांव के बारे में सोचिए और शहरी का मतलब शहर के बारे में सोच लीजिए आपको समझ में आ जाएगा ग्रामीण में आप सब लोग जानते हैं कि भाई जाति विशेष की प्रभुक्ता होती है कार्य और पद में परिवर्तन होते हैं समुदाय की भावना में कमी पाई जाती है वहां पर सामुदायिक भावना की देखिए कमी की बात मैं कर रहा हूं वहां पर व्यक्तिगत हितों की विशेष बल दिया जाता है तब गोत्र की अपेक्षा अगर आप गोत्र की अपेक्षा की बात करेंगे तब सामुदायिक भावना में कमी होगी वरना आप तो ये ये भी तो बोल सकते थे कि भाई समुदाय में जब लोग रह रहे हैं गांव वाले ग्रामीण के लोग तो वो उसमें तो हम की भावना पाई जा रही तो फिर कैसे कमी फिर कैसे कमी है ना ऐसे भी बोल सकते थे लेकिन जब हम बात करते हैं किसी गोत्र की अपेक्षा के बारे में व्यक्तिगत हितों के बारे में तब आप वहाँ पर कहेंगे कि सामुदायिक भावना में कमी होती है तो ये एक बदलता स्वरूप है इसका बदलता स्वरूप है इसका तो कृषि व्यवसाय है वो प्राकृतिक निकटता है जातिवाद धर्म में अधिक महत्व तो है संयुक्त तो परिवार है सरल और सादा जीवन है आप सभी लोग जानते हैं वो चीज़ है है ना ठीक उसी प्रकार से अगर मैं शहर की बात करूं तो शहर के बारे में आप भली भांति तरीके से जानते होंगे कि भाई शहरी समुदाय क्या क्या चीज़ें मतलब नगर समुदाय में क्या क्या चीजें आती है तो जो गांव से लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं तो वहीं से निकल के आ रहा है मतलब अब यहाँ क्या बन रहा है भाई वही गाँव के लोग यहाँ पर शहरी बन जा रहे हैं तो एक प्रकार से अब यहाँ पर इनकी मानसिकता वगैरह चेंजेस होंगी फिर तो यहाँ पर विभिन्न संस्कृति अब ऐसा तो नहीं कि फलाने एक ही गाँव से इस शहर में आया हो और भी लोग और भी जगह से आते हैं शहर में लोग है ना तो यहाँ पर आप कह सकते हो विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र है ये शहर जनसंख्या में घनत्व अगर तो कहीं पा, कहीं पाया जाता है तो अब यहाँ पर ये यह सोचो कि जनसंख्या घनत्व का तो बिहार भी है सर लेकिन मेरी बात को समझिएगा कि घनत्व में सबसे आगे है बिहार तो यहाँ पर एक बात ये भी तो सोचिए आप लोग थोड़ा सा कि भाई ये उस नगर के बारे में बात किया तो बिहार में भी तो नगर होगा कोई बिहार भी तो कोई सिटी होगी कोई क्षेत्र भी तो होगा हर जगह का वहाँ का तो या तो आप ऐसे समझ लीजिए या तो आप इसको एक अपवाद में रख लीजिए ठीक है बेसिकली जो होता है जनसंख्या का अधिक घनत्व जो पाया जाता है वो नगर में ही पाया जाता है नगर का मतलब शहर होता है औपचारिक संबंध होता है और एकाकी एक परिवार भी देखने को मिलता है हमें एकाकी परिवार समझ रहे हैं आप एकल परिवार है ना तो ये चीजें जो है बेसिकली समुदाय में ही पाई जाती है ठीक है ये था थोड़ा सा इसके बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को बाकी पीडीएफ इसको मिला मिलेगा आप लोगों को, को डिटेल में कि क्या है ग्रामीण समुदाय और क्या है आपका शहरी समुदाय ठीक है तो देखिए यहाँ पे समुदाय के बारे में थोड़ा सा उसकी प्रकृति और विशेषता है अगर ये क्लियर है तो फिर समुदाय की पूरी परिभाषा आपको पता है समुदाय एक निश्चित भूभाग है समुदाय एक निश्चित भूभाग है जिसका मतलब होता है उन सीमा व घेरे से है जो किसी विशेष सामाजिक धार्मिक आर्थिक सांस्कृतिक विशेषताओं वाले नागरिकों की अपनी परिधि में सम्मिलित करता है मानव जाति की एक परंपरागत विशेषता भी रही है जब मानव परिवार किसी एक साथ को एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चलने का प्रयास करता है या चलने के लिए प्रयत्न करता है तो वह उस स्थान को प्राथमिकता देता है तो जहाँ उसके समान और सामाजिक आर्थिक और धार्मिक विचारों के लोग जो होते हैं निवास करते हैं तो ऐसी कंडीशन पर वो जो क्रियाविधि होती है वो निश्चित भूभाग पर होती है तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि एक निश्चित भूभाग का मतलब यही हुआ कि भाई एक भौगोलिक क्षेत्र के बारे में ठीक है जिस जहां पर सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं धार्मिक हो सकता है आर्थिक हो सकता है सांस्कृतिक भी हो सकता है ठीक है सतंदर सिंह भौगोलिक भौगोलिकता अनिवार्य है सर हाँ 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 भौगोलिकता जो है वो अनिवार्य होगी ठीक है वो तो अनिवार्य ही होगी ठीक है महेंद्र जी क्लियर हो गया किसका तो मैसेज आ रहा है, है? तो ग्रुप ज्वाइन के लिए अच्छा अच्छा क्या नाम बताइए एक बार एक बार तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं समुदाय अंतर के अंतर्गत तौर क्या विशेषताएं हमें देखने को मिल सकती हैं तो जैसे अगर मैं बात करूं अच्छा यहां पर वो विशेषताएं देखिए आपने बताया ना अभी आपको देख लिया ना आपने तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना निश्चित वो भौगोलिक क्षेत्र होता है यहाँ पर देखिए ग्रामीण समुदाय मैंने बता दिया पहले भी और यहाँ पर भी आ भी गया है कि ग्रामीण समुदाय कहते किससे है ना तो देखिए ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत क्या है भाई यहाँ पे परिभाषा दी जा रही है कि एन एल सिम्स के अकॉर्डिंग कह रहा है कि समाजशास्त्री ने ग्रामीण समुदाय शब्द को कुछ ऐसे विस्तृत क्षेत्रों तक सीमित कर देने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति है और वो एक प्रकार से आपका अगर हम बात करें तो वो आपका ग्रामीण समुदाय है वो आपका क्या हो जाएगा ग्रामीण समुदाय होगा तो सब या अधिकतर मानवीय सेवार्थी की पूर्ति होती है ठीक कहने का मतलब ये हुआ कि जो ग्रामीण समुदाय है वो आपसे ये बता रहा है कि एक सीमित क्षेत्र में भी होता है और एक व्यापक लेवल पर भी होता है इसमें और इसमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो मानवीय स्वार्थों की पूर्ति होती है तो यहाँ पर आप बोल सकते हो हाँ जो है एक प्रकार से हम की भावना भी पाई जाती है ऐसी बात कहने वाला अच्छा हम की भावना सोचिएगा मानवीय सेवार्थी की स्वार्थी की बात होगी तो आप कर लेना अगर हम की भावना सोच लेंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा क्योंकि हम की भावना में इसका नाम नहीं आता है है ना ग्रामीण समुदाय बताइए समझ में आया ग्रामीण समुदाय यहाँ पर क्या मैं बोल रहा था आप लोगों को मतलब ग्रामीण समुदाय में आपको हाँ निश्चित चीज़ों के बारे में वहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों से कि जहाँ पर ग्रामीण समुदाय में एक विस्तृत क्षेत्र है जहाँ पे सेवित कर देने की बढ़ती हुई जो प्रवृत्ति है जिसमें कि सब या अधिकतर मानवीय स्वार्थों की पूर्ति हो रही है ये बात कहता है आपका एल एन ठीक है आगे हम बात करते हैं तो मेरिल और नाम आता है एलरिज का ठीक है तो इसकी जो परिभाषा है ये कहता है कि संस्था और ऐसे व्यक्तियों का संकलन है जहाँ पर छोटे से केंद्र चारों ओर अगर हम बात करें छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं और सामान्य प्रकृति दिलाने में भाग लेते हैं तो वो होता है समुदाय आपका ग्रामीण का जिसे आपसे मैं कहूँ तो आप ध्यान से देखिए जरा यहाँ पर आपके सामने लिखा भी है कि ये एक प्रकार का कृषि समुदाय है और मैंने आपको बताया भी था कि कृषि समुदाय कहाँ पाया जाता है प्राकृतिक निकटता के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है ग्रामीण में हाँ हाँ तो अगर हम बात करें तो आप सबको ये पता होगा आप सब लोग जानते भी होंगे ग्रामीण समुदाय में जो प्राकृतिक निकटता है वो अगर हम बात करें तो इसे सूर्य चंद्र वरुण गंगा आदि जैसे देवी देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं और इस प्रकार से ये स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण के जो नागरिक हैं ठीक है उसके जो नेचर है उसके भयंकर और कोमल रूप से परिचित भी होते हैं कहने का मतलब ये हुआ कि वो प्रकृति से बड़ा लगाव रखते हैं कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रामीण के जो लोग हैं उनका मुख्य रूप से व्यवसाय की ही बात किया जाए तो वो कृषि से ही संबंधित है जो कि कृषि यानी खेती का सीधा संबंध प्रकृति से होता है तो प्रकृति के बारे में अगर ग्रामीण के लोग जीवन पर आश्रित होंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर गांव के जो देश में अगर हम बात करें चंद्र सूर्य वरुण गंगा आदि जैसे देवी देवताओं को जो पूजने की क्रियाविधि होती है तो जाहिर सी बात है वो गांव में ही होती है उनका ठीक है तो ये प्राकृतिक निकटता के अंतर्गत आ जाता है यहाँ पर है ना अगर हम बात करें जाति के बारे में ज्वाइन करिए गरिमा कह रही है भाई गरिमा का मैसेज आया है मैंने उनको किया है कि अच्छा अच्छा सॉरी 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 मैंने ध्यान नहीं दिया प्लीज लिखा है उसमें करिए तो ये चीज होगा भाई जातिवाद और धर्म का अधिक महत्व के बारे में बात करें तो आपको ये ध्यान है वादता और परंपरावाद ग्रामीण जीवन के मूल समाज के लक्षण है फलस्वरूप समाज ही हमारे ग्रामीण समुदाय में अधिकाधिक लोगों की जातिवाद धर्मवाद से अटूट श्रद्धा है देखो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक चीज आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि भाई इनको विश्वास होता है कि पुण्य कार्यों के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति होती है स्वर्ग की उपलब्धि होती है इसी पर वो लोग निर्भर हो जाते हैं तो स्वर्ग और नर्क की भावना में से भी व्यक्ति पापों से दूर रहता है ठीक है ऐसी प्रतिक्रियाएं अगर हम बात करें जहाँ पे जातिवाद और धर्म का अधिकता की बात की जा रही है वो क्रियाविधि कहीं ना कहीं आपको ग्रामीण के समुदाय में यानी जो ग्रामीण वाला समुदाय है उसमें देखने को मिल शहर में थोड़ी ना इतना इतनी सारी चीज़ें होती हैं शहर के लोग कहेंगे भाई ये नर्क है ये स्वर्ग है कहीं बोल दोगे तो आप वहाँ पर डिबेट होना शुरू हो जाएगा भाई क्या है स्वर्ग क्या है नर्क है ना ये चीज़ें होती है शहर में गाँव में लेकिन सुन लेंगे अच्छे से अच्छा ऐसी बात है फिर तो करना ही नहीं चाहिए भाई है ना ठीक है तो इस तरीके की जो क्रियाविधि होती है समझ में आ रहा है कि इस समुदाय के बारे में ग्रामीण समुदाय की ये विशेषताएं हैं आप लोग थोड़ा सा एलिमेंट करना है आप लोगों के एग्जाम में है ना हाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सरल और सादा जीवन के बारे में तो एक सिंपल है आपको यहाँ पर मुझे बताने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है आप लोग जानते भी हैं अगर जिन लोग गांव से भी होंगे तो गांव में लोग कैसे भी थे पहले के समय में क्या होता था धोती हुआ करता था धोती कुर्ता है ना आप लोगों ने देखा भी होगा मूवी वगैरह में देखा होगा है ना और कुछ गाँव में आपने सुना भी होगा ठीक है तो ग्रामीण समुदाय में अधिक से अधिक जो लोग होते हैं वो अपना सरल जीवन व्यतीत करते हैं और वहीं शहर की बात कर लिया जाए तो एक दिन अगर जो ऑफिस में चला जाएगा एक पैंट शर्ट पहनकर या सूट पहनकर तो दोबारा उसके दूसरे दिन वो पहनकर जाएगा ही नहीं ये शहर की बात है तो शहर में देखिए गांव में कितना भाई गाँव में एक ही कपड़े को दो से तीन दिन पहन सकते हैं गांव के लोग पहन सकते हैं परेशान हो रहा था था पता नहीं नेट स्लो मेरा ठीक है तो ये चीज़ें हैं कि सरल और सादा जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी आपका जो है गांव में ही पाया जाता शहर में नहीं पाया जाता शहर के लोग जो सब होते थोड़ा इसके बारे में क्या करा रहे हैं कैसा कैसा थोड़ा में। ये समुदाय के बारे में है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा रहा हूँ अभी मैं समुदाय की परिभाषा बताया हूँ समुदाय के परिभाषा के बाद उसके टाइप को बता रहा हूँ ग्रामीण समुदाय के बारे में ठीक है तो सर आज मैंने कुछ क्वेश्चन डाले थे सर आप भी तो जवाब दे दिया अगर हाँ ठीक है आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा क्लास में बने रहिए अभी अंत में बने रहिए अंत में इसका

और उसके जितने बच्चे होते हैं उसके कंट्रोल में होते हैं मतलब ऐसा कहा जाता है कहा नहीं जाता ऐसा होता है है ना ऐसा तो होता ही है श्योर है ये हंड्रेड टेन परसेंट सही है तो ऐसी कंडीशन पर संयुक्त परिवार का जो आप देखते हैं सिस्टम या तरीका वो ग्राउ गाँव में ही देखेंगे शहर में ही देखेंगे शहर में क्या होता है विघटन की प्रक्रिया हो जाती है पारिवारिक विघटन की प्रक्रिया लेकिन आजकल गांव में भी ऐसा कंडीशन हो गए है।, है ना लोग क्या हो रहे भाई आजकल सुन ही नहीं रहे हैं लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि अपने मन से शादी भी अच्छा पहले ऐसा नहीं था गांव में कि अपने मन से कोई शादी कर ले लेकिन आज के समय में ऐसे कानून बन गए हैं नियम बन गए हैं कि आप अगर 21 साल के हो गए हैं 18 साल के हो गए हैं तो आप अपना जोड़ा देख सकते हैं इस तरीके की कंडीशन बन गई है तो जब इस तरीके की चीज़ें आ गई हैं तो वहाँ पर जो मुखिया जी थे अब मुखिया जी के धीरे धीरे अस्तित्व जो है समाप्त हो रहा है वहाँ पर ख़त्म हो रहा है कहाँ उसकी बात सुनेगा वो फिर सुनेगा ही नहीं है ना तो पहले वो ऐसी कंडीशन हुआ करता था माँ बाप जाया करते थे देखने लड़का लड़की को है ना चलो तो ये चीज़ें थी आपको पता हो ये तो मुझे बताने जरूरत है ही नहीं संयुक्त परिवार के बारे में आप जानते हैं सामाजिक जीवन की समीपता की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात आप देखो ऐसे सोच सोच के करना है आप लोगों को है ना सामाजिक जीवन की समीपता की अगर हम बात करें तो ये सिंपल है कि समीपता का दूसरा प्रमुख कारण जो है ग्रामीण समुदाय में समान धर्म लोगों की एक बहुलता के बारे में बात करता है बात समझ रहे हैं एक बहुलता का मतलब एक प्रमुख कारण में दूसरे नंबर पे आता है ये समीपता सामाजिक जीवन में समीपता तो मुख्य विशेषता है कि एक दूसरे से लोग क्या होते हैं भाई जान पहचान वाले होते हैं समीपता ज़्यादा पाई थी। कुछ तो कृषि के कारण भी होता है है ना कुछ बै, जो व्यवसाय वहाँ का है वो क्या है उनका कृषि ही है तो कृषि भी हो सकता है सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जीवन भी हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है एक बंदे के घर में अगर कोई पूजा होगा गांव में तो वहां पर क्या होता है कि पूरा गांव आ जाता है पूजा सुनने है ना गांव में ऐसे कंडीशन होता है लेकिन शहर में बस उसके घर वाले ही पूजा सुने बहुत करेंगे ज़्यादा ज़्यादा अगर ज़्यादा उससे जान पहचान है तो पड़ोसी आ सकता है बुला लेंगे तो यही चीज़ होता है शहर में लेकिन गाँव में देखो जीवन की समयता ज़्यादा पाई जाती है तो ये गाँव की बात ध्यान रखिएगा ठीक है भाई तो कहीं अगर शहर की तरफ आ जाए तो आप इसको एलिमेंट कर देना गलत हो जाएगा सामुदायिक भावना की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ये विशेषता बताता है आपका जो है ग्रामीण के बारे में सामुदायिक भावना के बारे में कोई विशेषता बताता है तो ग्रामीण के बारे में देखो ग्रामीण समुदाय एक सीमित क्षेत्र में बसने का जो कारण है वो सदस्यों के एक आपसी समीपता बढ़ जाने के कारण है आपसी जो समीपता है वो बढ़ जाने का कारण है एक समुदाय वहां पर तो ये रीजन बता दिया कि हम की जो भावना का विकास हो रहा है वो सामुदायिक भवन का नाम दिया जा रहा है है ना उसे हम सामुदायिक भवन का नाम दे रहे हैं तो आप इस बात को समझिए अच्छे से कि हम की भावना की वजह से वहाँ पर धीरे धीरे क्या गाँव बस जा रहा है ग्रामीण बन रहा है फिर उसके बाद समुदाय बन गया ठीक है ये क्रियाविधि होना शुरू हो जाती है ठीक है आप लोगों को पता भी होगा कि पहले के समय में कुछ लोग कहीं पर अगर कोई आपत्ति या कोई आपदा आ जाती थी तो लोग पलायन कर देते थे दूसरी दूसरे गाँव की तरफ और जो जहाँ बस गया था जो जहाँ रुक गया वहीं पर बस गए वो लोग और उनके हिस्ट्री को पूछा करो आप लोग कि आपकी हिस्ट्री क्या है आप आए कहाँ से आप लोग क्या थे जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनसे पूछना तो बताएंगे हम वहां से आए यहाँ से आए और पता नहीं हो तो वो भी नहीं उन्हें पता अब तो वो भी भूल गए होंगे वो सब लोग भी। तो ये कंडीशन होता है मैंने एक देखा है है इस टाइप का ठीक है। सर ने भी कम्युनिटी वर्क पे कुछ कथन दिए थे क्या सर सिगमन फ्राइड समुदाय के बारे में कुछ नहीं बोला है कोई स्टेटमेंट कुछ नहीं बोला कुछ नहीं बोला है वो आपका आता है केवल केवल हाँ मनोविश्लेषणात्मक में ही आता है मनोविश्लेषणात्मक ईगो सुपर ईगो वो बालक बचपन की चीजों के बारे में बात करता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगर हम बात करें स्त्रियों की निम्न स्थिति तो अब आप तो आंख बंद करके लगा देंगे शहर में नहीं अच्छा अब आजकल गांव की भी स्त्रियां बड़ी तेज हो गई हैं बड़ा तेज है तो ऐसी कंडीशन पर अगर देखा जाए तो ग्रामीण समुदाय में जो है अज्ञानता रूढ़िवादता के कारण ग्रामीण की जो स्त्रियां हैं उनको निम्न जाति से यानी सॉरी निम्न जाति नहीं एक निम्न कंडीशन या निम्न स्थिति के रूप में देखते हैं आप बाहर नहीं जा सकते है ना आप बाहर जॉब नहीं कर सकते आप किसी अन्य पर्सन से बात नहीं कर सकते शहर में क्या होता है गांव में ऐसा भी होता है अगर कोई बड़ा भाई हो है जिसका अगर शादी हो रखी बड़े भाई हैं तो वो औरत अगर मान लीजिए छोटी है तो बड़े भाई के सामने भी नहीं पड़ेगी ये गांव का ये एक सिस्टम है तो स्त्रियों की निम्न स्थिति इस प्रकार की लेकिन शहर में ऐसा कुछ भी नहीं है ना बड़ा भाई है बगल से निकल जाएंगे ऐसा कंडीशन है ठीक है तो ये चीजें हैं तो बेसिकली जो है अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप सभी लोग पता है भारतीय ग्रामीण स्त्रियों में शिक्षा का प्रभाव ग्रामीण महिलाओं के जीवन में एक ऐच्छिक परिवर्तन लाने में सहायक हुआ है मदद हुआ है अच्छा आ, काम किया है तो अधिका अधिक ग्रामीण समुदाय में बाल विवाह दहेज प्रथा और अगर हम बात करें पर्दा का तत्पर्दा प्रथा के बारे में बात करें लड़कियों को शिक्षा को बाहर नौकरी से रोकना इत्यादि जो चीज़ें हैं ये सभी की सभी क्रियाविधि जो है देखने को हमें मिल जाती है कहाँ गाँव में मिलती है ठीक है तो ये भी आपका मिल जाएगा एक फैक्ट एक विशेषता के रूप में आ जाएगी उसकी ये चीजें हैं धर्म एवं परंपरागत बातों में अधिक विश्वास रखना देखो आपको पता है धर्म वगैरह नियम की बात करें अगर हम बात करें किसी धार्मिक चीजों के बारे में तो वो बेसिकली गांव में ही फेमस ज़्यादा है शहर में नहीं है वो गांव में ही ज़्यादा फेमस है ठीक है तो मेरा कहने मतलब है कि ग्रामीण के जो लोग होते हैं नई चीजों से दूर अपनी पुरानी परंपराओं में लिप्त रहते हैं परायण बने रहते हैं हमेशा वो है कि नहीं ये क्रियाविधि बनी रहती है गांव के लोगों में तो धर्म और परंपरागत बातों में अधिक विश्वास रखते हैं कहीं अगर आप लोग जब गांव में मतलब कहीं लंबी सफर करना आप लोग ट्रेन में जाना तो कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे वहां पर रामायण महाभारत छेड़ने वाले पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स तो अगर हम बात करें तो वो नई चीजें हो जाती है बिल्कुल बिल्कुल हाँ। का हाँ। जाते तो हाँ। तो वो बस लगना आपको बात भाई चलो ठीक है दिन कट रहा है मतलब रात कट रही जो भी कट रहा है ठीक है अच्छी बात है कट रही ठीक है लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो धर्म अगर वहां पर वो बेसिकली ज्यादातर मानते हैं आज भी मान रहे हैं यानी वो आज भी मान रहा है व्यक्ति ग्रामीण समुदाय के बारे में इसलिए वहां पर चर्चा कर रहा है ठीक है तो ये चीजें हैं धर्म और परायण के बारे में ठीक है ये भी बातें हुआ करती है आगे हम बात करते हैं भाग्यवादिता की अशिक्षा का एक बाहुल्य की बात करें ये सारी की सारी आपसे प्रश्न आता है एग्जाम में कि बताइए ग्रामीण समुदाय के निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं अगर विशेषता पता है तो ठीक है नहीं पता फिर कोई बात नहीं ये प्रश्न बने हुए हैं आप लोग देखेंगे भी और मैंने कई बार करवाया भी आप सबको है तो जब कभी भाग्यवादिता और अशिक्षा का देखो एक बात बताऊं इस yes, यहाँ जो ये बात बताने की कोशिश की जा रही है इसका मीनिंग क्या है बेसिकली कि ग्रामीण समुदाय में शिक्षा का प्रचार प्रसार अभी भी कम है शिक्षा के अभाव में ग्रामवासी अनेक अंधविश्वासों और कुसंस्कारों का शिकार बने हुए हैं तथा भाग्यवादिता पर अधिक विश्वास रखते हैं और उपरयुक्त ग्रामीण अच्छा अब देखो अब अगर मैं आपसे बात करूँ इसका मतलब समझ रहे हैं अगर किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है तो उसको सीधा सीधा के भैया इसका भाग्य समाप्त मतलब भाग्य जो है काम आ, साथ नहीं दे रहा है ऐसी चीज़ें ग्रामीण में होती है लेकिन शहर में अगर आप यही बोलेंगे तो जो व्यक्ति पढ़ने वाला होगा वो उसको मानेगा नहीं कहेगा भैया तुम पहले अच्छे से पहले पढ़ाई तो कर लो तुम्हें जाहिर सी बात है किसी न किसी सब्जेक्ट में वीक हो जिसकी वजह से तुम रह जाते हो तुम्हारा क्वालिफाइड नहीं हो पाता है कहीं ना कहीं तुम तुम्हारा कॉन्सेप्ट खुद क्लियर नहीं है जिसकी वजह से तुम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो ये चीज़ शहर वाला बोलेगा गाँव वाला नहीं बोलेगा गाँव वाला कहेगा भाई तुम्हारा भाग्य साथ नहीं देता है ठीक है तो ऐसे तरीके की चीज़ों में गाँव में होती है नगरी समुदाय के बारे में अगर हम बात करें नगर का मतलब होता है शहर और आप जानते हैं कि ये नगरी शब्द जो है नगर से बना हुआ जिसका अर्थ था, था नगरों के संबंधित हो जिसमें शहर समुदाय एक सूत्र में बांधना अत्यंत कठिन होता है बात ठीक है भाई यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं कि समुदाय को अगर एक सूत्र में बांध रहे हो एक यूनिटी के रूप में अगर लाना चाहते हो तो ये तो बहुत ही कठिन है आप लोगों के लिए क्योंकि उसका अलग संस्कृति है अलग धर्म है सब कुछ अलग है और जरूरी ये भी नहीं कि भाई उसकी मानसिकता किस तरीके से उसमें पता नहीं हम की भावना है कि नहीं तो एक आजकल ऐसी चीज़ें बन गई है मानवता बस लोग मदद करते हैं हर एक व्यक्ति स्वार्थी है है ना हर एक व्यक्ति स्वार्थी तो इसलिए हम इसको कह भी नहीं सकते कि भाई बांध लो है ना एक यूनिटी में लेके आ जाओ परिभाषा की बात करूँ तो यहाँ पर कहते हैं कि ग्रामीण और नगरीय समुदाय के विषय में बताया गया है कि इन दोनों के मध्य कोई एक सुस्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है लेकिन यह एक निश्चित कर सके कि नगर को अमुक बिंदु पर अंत है और देहात का अमुक बिंदु का प्रारंभ है कहने का तात्पर्य मेकायर एन पेज का ये स्टेटमेंट था कि समुदाय में जो है ग्रामीण समुदाय और शहरी समुदाय का कोई एक निश्चित बिंदु नहीं है कि हम इसको डिवाइड कर दें परिभाषित कर दें कि भाई ये चलो नगर है ये आपका शहर है ये आपका ग्रामीण है ये कोई निश्चित नहीं है लेकिन इन्होंने फिर कहा कि एक प्रारंभ एक अंतिम बिंदु जैसे इन्होंने बिंदु पर एक अंत माना मतलब एक ऐसी बिंदु है जहां पे लास्ट पे लास्ट स्टेज चल रहे हैं तो जो लास्ट स्टेज का होगा वो आप पहुंच गए हैं नगर में लास्ट स्टेज को इन्हें मान लिया नगर को लेकिन आपका जो शुरुआत हुआ मतलब हर एक नगर का जो शुरुआत हुआ है वो ग्रामीण से शुरुआत हुआ है गांव से ही शुरुआत हुआ है तो इसलिए ग्रामीण आपका प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा तो इसने मेकाइबर पेज ने कहा कि देहात जो है वहीं से स्टार्ट हुआ है ग्रामीण समुदाय और ग्रामीण समुदाय से ही आया है अंत तक में आपका आ, क्या नाम है नगरी समुदाय की तरफ तो ये था मेकाइबर परिभाषा मेकाइवर की इसने डिफाइन नहीं कर पाया इसने ये नहीं बता पाया कि भाई ये आपका ग्रामीण समुदाय यह आपका नगरी समुदाय मतलब अस्पष्ट नहीं इनका कहना है कि जो ग्रामीण के लोग हैं वो भी शहरी ही लोग हैं और शायद ऐसे आप लोग आने वाले कुछ सालों में देख लेंगे कि गांव के भी लोग कैसे शहर जैसे ही होंगे भले वो लोग को वो लोगों को बस सुविधाएं नहीं मिलेगी मतलब वो सुविधाएं नहीं हो पाएंगी निश्चित मतलब क्योंकि वो जागरूक आजकल तो हो रहे हैं मिल जाती है सुविधाएं बस ये हो सकता है लेकिन आने वाले टाइम में जो दोनों इक्वल हो जाएंगे इनका कहने का मतलब यही था पर है ना ऐसी बातें करते हैं ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एक और नाम आता है कॉक्स के अकॉर्डिंग कि नगरों के अंतर्गत उन समस्त क्षेत्रों को लिया जाता है जिन जिनमें जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग मील एक हजार से अधिक हो और जहां वास्तव में कोई कृषि ना हो तो उसे हम नगर बोलेंगे तो अच्छा चलो इनकी देखो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपनी परिभाषा के बारे में जिक्र किया तो ये जो विल विलकॉक्स नाम आप देख रहे हैं विद्वान का इस विद्वान ने समुदाय में ग्रामीण सॉरी शहरी समुदाय को बोला कि जहां जनसंख्या का घनत्व प्रतिहाज प्रति वर्ग मील एक हज़ार का अधिक होगा वो आपका क्या हो जाएगा जा, आपका शहरी समुदाय हो जाएगा और शहरी समुदाय में कृषि नहीं पाई जाएगी इसकी बात को अगर हम डिफाइन करें मेकाइवर पेज से तो गलत हो जाए क्योंकि आप देखते हैं कि कुछ शहरों में भी कृषि होती है है ना कुछ शहर में भी कृषि होती है लेकिन व्यापक लेवल पर तो नहीं होती है लेकिन छोटे मोटे कुटीर उद्योगों के रूप में अगर हम देखें तो वो चीज़ें होती हैं हम लोगों ने देखा भी है ये चीज़ें व्यापक लेवल जैसे हरियाणा में हो गया और और भी चीज़ें हैं पंजाब हो गए ठीक है यूपी हो गया बिहार हो गया तो यहाँ पर ज़्यादा कृषि जो है होती है शहरों में कम होती है लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं है कि और जगह पे भी होती है हर, हर जगह होती है, है? ठीक याद रखिएगा आप लोग, हर जगह। विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो जनसंख्या में अधिक का घनत्व बताइए जरा मुझे एक बार कंफर्म करिए आप सभी लोग की ग्रामीण शहरी समुदाय की विशेषताओं में क्या भूमिका है जनसंख्या का अधिक घनत्व शहरी समुदाय की शंख्या रोजगार के कारण होता है सर घनत्व का कारण रोजगार शिक्षा शिक्षा सुविधाएं हम्म शिक्षा हम्म कन्वेन्स की सुविधाएं हम्म सुविधाए, ये मतलब सर, सर, सुविधाओं का अ, 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 अधिक होना ही कारण है घनत्व बढ़ने का तो ये आप, हाँ, तो ये आपका क्या हो जाता है तो ये आपका क्या हो जाता है एक प्रकार से नगरी समुदाय हो जाता है ना तो नगरी समुदाय में अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे रोजगार की ऑलरेडी लिखा हुआ है कि रोजगार के तलाश में गाँव से शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार जो व्यक्ति होते हैं वो शहर की तरफ आना शुरू कर देते हैं कमाने के लिए आते हैं पैसे कमाने के लिए आते ही हैं ऐसा कंडीशन होता है ज़्यादातर ये मेल करते हैं फीमेल भी आजकल हो रहा है ऐसा कंडीशन फीमेल भी आ रही हैं शहर की तरफ ही ठीक है तो ये चीज़ें हो जाता है तो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है ये शहर का ही एक प्रकार की विशेषता है विभिन्न प्रकार के संस्कृति की संस्कृति के लोग हैं आप देखते हैं तो कोई उत्तराखंड से है तो कोई मध्य प्रदेश से कोई दिल्ली से है तो कोई महाराष्ट्र से है है ना तो सभी लोग जो हैं अलग अलग संस्कृति से हैं सबका अलग अलग संस्कृति इसलिए केंद्र मानते हैं हम लोग नगरी को है ना विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र मानते हैं तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा औपचारिक संबंध की अगर हम बात करें तो नगरी समुदाय में जो है औपचारिक संबंध का एक हम कहें तो बहुल्य और बहुल्यता का मतलब क्या बात है आवाज क्लियर नहीं है मेरी है। तो यहां अगर हम बात करते हैं तो मेरे एक औपचारिक संबंध के बारे में तो औपचारिकता जो संबंध है वो बहुल्य पाया जाता है ये शहर में और देखा जाता है सदस्यों का व्यस्त जीवन आपसी संबंध का एक औपचारिक होता ही है ठीक है तो ये चीजें देखने को मिलता है सभी लोग अपने आप में व्यस्त है भाई कहा आपकी समस्या का सुनेंगे गाँव में ऐसा नहीं था है ना अंधविश्वासों में कमी ये अंधविश्वास वगैरह में कमी नहीं रहे। मतलब इनके अंदर वो चीजें नहीं होती है कि ये मूर्ति का पूजा करो इनका पूजा करो तो ये चीजें मिलेंगी ये ये ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते इसलिए अंधविश्वासों में ये जो है कमी देखने को मिल जाती है हमें तरफ शहर में मिल जाता है ठीक है ये भी आप इसे ध्यान रखिएगा अनमकता की बात, बात करें क्या बात कर रहे हैं यार नेटवर्क तो मेरे यहाँ पूरा है क्लियर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी इसलिए आप देखो अनामकता हाँ। का मतलब क्या होता है पर जो नगरीय समुदाय को पता नहीं लगता है किस धर्म को मानता है ये सारी चीजों के वजह से अनामकता पाया जाता है आप देख सकते हैं शहर में आवास की समस्या भी होती है आप सभी लोगों को पता है जब घनत्व तो है तो जाहिर सी बात है आवास की समस्या है ना तो योजनाओं के बावजूद भी बड़े बड़े नगरों में आवास की समस्या अति गंभीर होती ही जा रही है अनेक गरीब एवं कमजोर लोग जो हैं अपनी रातें सड़क और पटरी और बस अड्डे रेलवे स्टेशन पर ही व्यतीत करते हैं आप लोगों ने देखा भी होगा ऐसे लोगों को भी है ना बड़ी दिक्कत है है ना तो ये चीज़ें हैं आगे अगर हम बात करें तो वर्ग अतिवाद के बारे में तो नगरीय समुदाय में जो है धनियों के धनी और गरीबों के गरीब वर्ग के लोग भी पाए जा रहे हैं और अर्थात आप ये कह सकते हैं कि यहाँ भाव्य कोटियों में रहने वाले ईश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले तथा दूसरे दूसरी तरफ मकानों के अभाव के कारण कमज़ोर जो लोग हैं वो सड़क के पटरियों पर सोने वाले जो हर पेट भोजन नहीं मिल पा रहा है ठीक है और मतलब वो अपना जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं वो कहाँ व्यतीत कर रहे हैं बस अड्डे पर रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर ऐसी जगहों पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो यह एक वर्ग अतिवाद भी देखने को मिला है और ये बताया गया है कि धनी से धनी लोग जो है धनी होते जा रहे हैं गरीब लोग गरीब बनते जा रहे हैं ये बात जो होती है वो वर्ग अतिवाद का होता है ऐसी कंडीशन पर आप कह सकते हैं मार्क्स के बारे में तो मार्क्स का ये जो कोटेशन हो जाता है थोड़ा सा सही माना जाएगा ये इस चीज के बारे में मार्क्स ने चर्चा किया था ठीक है ये आप ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में श्रम विभाजन के बारे में अगर हम बात करें तो मार्क्स इसमें भी आता है और इसमें अगर हम बात करें नगरीय समुदाय में तो अनेक व्यवसाय वाले जो लोग होते हैं जहाँ ग्रामीण समुदाय में अधिकाधिक लोगों का जीवन कृषि और उसके संबंधित कार्यों पर निर्भर होता है ठीक है तो देखो यहाँ पर कृषि यहाँ पर कह रहा है कि अधिकाधिक लोग जीवन कृषि और उससे संबंधित कार्यों पर निर्भर होता है कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण समुदाय में अधिक से अधिक की बात हो रही है श्रम विभाजन की वहीं अगर हम बात करें नगर समुदाय में तो व्यापार व्यवसाय नौकरी अध्ययन आदि के लोगों का जीवन जो है निर्भर है जैसे आप कहते हैं न कि भाई गाँव में कृषि है तो शहर में क्या है व्यापार है नौकरी ही है वही है आपका इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता आप लोगों का जैसे तो शहर में में वर्ग अतिवाद है तो ग्राम ग्रामीण क्षेत्र वर्गवाद तो होगा ग्रामीण में अतिवाद क्या फिर से बोल रहे हैं आप फिर से बोलिए अतिवाद है तो, तो शहरी क्षेत्र में सर वर्ग अति अतिवाद अपने को देखने को मिलता है सर हाँ तो ग्रामीण तो में क्या मिलेगा पर फिर कुछ सर गांव में भी कुछ तो कुछ इस तरीके से वहां भी अपने को देखने को तो मिलता है सर ग्रामीण क्षेत्र में आ, हाँ, मिलता है आप तो ये हाँ. वर्गवाद कह सकते हैं सर इसको नहीं 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 ऐसे नहीं आप करेंगे कि ये वर्गवाद हो जाएगा कि कुछ जो ग्रामीण के लोग हैं कुछ लोगों के पास मकान है अच्छे खासे बने हैं कोठी वगैरह बनी है तो इसका मतलब आप उससे नहीं बोलेंगे ठीक है वो अलग हो जाएगा आपका यहाँ घनत्व के बारे में बात की गई थी जनसंख्या के घनत्व के बारे में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है लोग रेलवे पटरी वगैरह पे रह रहे हैं ऐसी चीज़ों पर लेकिन गांव में क्या हो रहा है कि अच्छा। वो मंडई में व्यतीत कर रहे हैं एक मंडा जानते होंगे आप सभी लोग हाँ, बनाया हाँ। जाता है और कुछ ऐसी जगहों पर भी व्यतीत करने लगते हैं जैसे मंदिर हो गया वहाँ पर ऐसी सारी सुविधाएँ पे भी रहने लगते हैं लोग वहाँ पर जाकर और ऐसी चीज़ें जो है गाँव में देखने को मिली तो हम ये बात गाँव में नहीं कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं विशेषताओं के बारे में एकाकी परिवार की अगर महत्व के बारे में हम बात करें तो जो नगरी समुदाय में है वो उच्च जीवन के स्तर की आकांक्षाओं के फलस्वरूप संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी का वाहन करना कठिन साबित होता है इस वजह से वो शहर के लोग क्या होते हैं अलगाव की बातें जो है विघटन की बातें देखने को मिल जाती है लगभग लगभग और कहने का मतलब ये हुआ कि संयुक्त परिवार अगर रहेगा तो भाई एक व्यक्ति कैसे उठा सकता है इतने सारे व्यक्तियों का अगर हम बात करें खर्च एक व्यक्ति है ना तो इसी वजह से शहर में जो है एकाकी परिवार की महत्व दी गई है लेकिन अगर हम बात करें गांव की तरफ तो गांव में बेसिकली क्या था कृषि पर ही आधारित होता है तो भाई आप कुछ भी काम करो इससे मतलब नहीं है आप सुबह शाम खाना तो मिल रहा है ना बस ये चीजें देखने को मिल रही है ग्रामीण में तो इसकी वजह से वहाँ पर जो है बनी हुई है वो बातें अभी भी लेकिन शहर में ऐसी चीज़ें नहीं बनी हुई है धार्मिक अलगाव की कमी की अगर मैं आपसे बात करूं तो शहरी जीवन में जो व्यतीत शिक्षा है भौतिकवाद है जिन्हें धार्मिक पूजा पाठ और अन्य संबंधित कर्मकांडों को दूर दे दूर कर देते हैं इसलिए यहाँ पर धर्म को कम महत्व दिया जाता है धर्म वगैरह की बात अगर मैं अभी पहले ही बता रखा था कि भाई ये जागरूक भी होते हैं और ये शिक्षित भी होते हैं ठीक है प्राथमिकता शिक्षित की तरफ ज़्यादा जाता है भौतिकवाद की बात करें तो वो धार्मिक पूजा पाठ इत्यादि अन्य संबंधों कर्मकांडों को नहीं मानते हैं भाई आ, क्योंकि लोग जागरूक हैं कि इससे हमें कुछ नहीं होता है हमें से हमारा सिर्फ टाइम बर्बाद होता है बाकी सारा कुछ चीज़ें हैं जो शिक्षित लोग हैं वो सोचते हैं माइंड का खेल है ये एक सारा का सारा ब्रेन का खेल है जिसकी वजह से ये क्रियाविधि घटित होती रहती है हमेशा लाइफ में हर एक व्यक्ति का ठीक है तो ये चीज़ हो जाता है तो धार्मिक अलगाव की कमी जो है बेसिकली ये शहर की ही एक विशेषता मानी जाएगी अगर हम बात करें यहाँ पर तो सामुदायिक गतिशीलता गतिशीलता मतलब अगर हम सामाजिक गतिशीलता की बात करें तो अत्यधिक जीवन पाए जाने मतलब जी शहर जीवन में अत्यधिक गतिशीलता पाई जाती है जहाँ गांव का जीवन एक शांत समुद्र की तरह होता है वहीं शहर का जीवन जो है उबाल खाते पानी की तरह होता है तो इसका मतलब यहाँ ये यह हुआ कि रेस लगी हुई है शहर में क्या लगा हुआ है रेस लगी हुई है कि एक व्यक्ति को भाई क्रॉस करना है हमें ये चीज़ें कर जानी हमारे घर में ये चीज़ें आ जानी चाहिए है ना भागम भाग लगा हुआ है अगर आप जॉब पे जाइए देखिए दौड़ते हुए लोग बस को पकड़ते हैं दौड़ते हुए ट्रेन को पकड़ते हैं है ना जॉब पर जाने के लिए ऐसा शहर में हो रहा है गाँव में ऐसा नहीं है वहाँ शांत भैया अगर आज नहीं पहुँचे कोई बात नहीं कल पहुँच जाएंगे ठीक है और नहीं तो किसी से लिफ्ट ले लेंगे भाई लिफ्ट समझ ही रहे होंगे आप लोग बस मिल जाए या तो ट्रैक्टर मिल जाए जो भी चीज़ें मिल जाती है गांव में उस पर बैठ के चले जाएंगे ठीक है राजनीतिक अलगाव के बारे में अगर हम बात करें तो राजनीतिक अलगाव नगरीय जीवन की बढ़ती शिक्षा है जिसमें गतिशीलता परिवर्ती सभ्यता और राजनीतिक क्षेत्र में लोगों की रुचि को बढ़ता जिसके अपने अधिकारों के कर्तव्य और राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान होता है जिसमें राजनीतिक क्षेत्रों में झुकाव की ओर बढ़ता है नगरीय क्षेत्र में बढ़ती जो शिक्षा है जो गतिशीलता परिवर्तन की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से वहाँ पर उनको अपने अधिकार कर्तव्य और राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान होने लगता है तो इसकी वजह से वो राजनीतिक क्षेत्रों की ओर ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग होते हैं शहर के वो राजनीतिक क्षेत्र की तरफ अग्रसर हो जाते हैं तो ये भी एक प्रकार का आप मान सकते हैं ये भी एक प्रकार का कारण बन जाएगा सॉरी इसकी क्या बन जाएगी विशेषता बन जाएगी तो अभी तक मैंने आप लोगों से जो जिक्र किया है वो बात किया है केवल कम्युनिटी के बारे में समुदाय के बारे में और समुदाय की मैंने दो दो टाइप बताए हैं उसकी विशेषताएं भी बता दिया और आप लोगों से मैंने उसके परिभाषाओं के बारे में बता दिया ध्यान रखिएगा यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जाएगा आप लोगों से दोबारा भी अगेन भी याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग है ना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारे के सारे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं है ना चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर एक और पॉइंट लेता हूँ और वो है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आप लोगों से बताना ये चाहूँगा कि समाज कार्य के अंतर्गत जब सामुदायिक कार्य हो रहे थे तो सामुदायिक विकास के लिए उसने एक आंदोलन के रूप में परिभाषित किया गया तो वर्तमान में जो समाज कार्य के अंतर्गत सामुदायिक कार्य हो रहा है वो धीरे धीरे उसके महत्व को बढ़ावा दी मिल रही है महत्व को उसको क्या उसकी इम्पोर्टेंस उसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है सामुदायिक भावनाओं को या सामुदायिक कार्य को तो सामुदायिक के अंतर्गत जब समुदाय के अंतर्गत हम सभी वर्गों के बारे में जब जान चुके हैं पढ़ चुके हैं समझ चुके हैं हम लोग तो समुदाय के कल्याण के लिए कार्य किया जाता है तो वो सामुदायिक संगठन के माध्यम से काम किया जाता है पश्चिमी देशों के बारे में अगर हम बात करें तो किसी सामुदायिक संगठन के द्वारा समुदाय की जो भी समस्याएं हुआ करती थी उन समस्याओं का जो हल किया जाता था वो पुरानी विचारधाराओं से किया जाता था पहले के समय में लेकिन समय धीरे धीरे बदलता गया टाइम बदलते गए लोगों में भी चेंजेस आते गए तो ये व्यवसाय के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी में जब व्यवसाय समाज कार्य के रूप में विकसित हुआ तो समाज कल्याण के रूप में सामू सामुदायिक संगठन के स्तर का ये जो है काम धीरे धीरे अग्रसर होने लगा तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्रिटेन ब्रिटेन का मतलब यूके में जो है ये चीज़ें देख देखने को हमें हम लोगों को मिली तो लंदन में आपने नाम सुना होगा कि एक सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग चैरिटी ठीक है ऑर्गेनाइजिंग चैरिटी करके थी रिलीफ एंड रिप्रेसिंग करके सोसाइटी मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं नाम ध्यान से सुन लीजिए कि लंदन सोसाइटी फॉर ठीक है ऑर्गेनाइजिंग चैरिटी रिलीफ एंड ठीक है रिप्रेसिंग मैकेडेंसी याद रखिएगा ये नाम इंपॉर्टेंट uh, है और इसके माध्यम से जब इसकी एक संस्था के रूप में अच्छा ये वही है जो 1869 का चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी थी वही है ये तो जब इसकी स्थापना की गई तो उस समय ये बात कही जाती थी कि निर्धन वर्ग के जितने भी लोग रहेंगे हम उनको मदद करेंगे वही सामुदायिक संगठन के माध्यम से तो वहाँ से ये बातें चल कर आई थी समय बीतता गया तो लोगों में और जागरूक हुए लोग तो सन में, 1880 में एटीन एटी में आपको पता होना चाहिए नोट करिएगा इसे भी ये भी पूछा जा सकता है कि 1880 में क्या क्रियाविधि हुई है तो व्यवस्थापन गृह आंदोलन आंदोलन में आंदोलन इंग्लैंड में 1880 में प्रारंभ हुआ तो ये जो गृह निर्धन लोग थे गृह निर्धन लोग वही था व्यवस्थापन व्यवस्थापन गृह आंदोलन मतलब व्यवस्था करो घर का उसके लिए आंदोलन था ये तो व्यवस्थापन गृह आंदोलन जो था वो इंग्लैंड के 1880 में जब भी स्टार्ट हुआ तो गृह निर्धन लोगों के लिए एक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था ये तो ऐसे में जो भी विद्यार्थी वर्ग के ऐसे क्षेत्र भी जाकर कहीं पर बस बस जाया करता था कामगार वगैरह के लिए रोजगार वगैरह मिल जाता था उसे वहाँ पर बस गया वो तो वहाँ पर इसकी जांच पड़ताल हुआ करती थी कि भाई ये प्रोसीजर है कैसे जो व्यक्ति यहाँ पर बस गया है और इसके पास भाई मकान नहीं है ठीक है तो अब पता चले कि भाई अगर उसके घर जहाँ से वो आया हुआ है उसके घर में तो मकान है तो फिर उसे थोड़ी ना मकान मिलेगा उसे मकान नहीं मिलेगा ठीक है ऐसी कंडीशन पे जांच पड़ताल भी हुआ करती थी ऐसी कंडीशन तो वहाँ पर उन, उन लोगों को चिन्हित किया गया था जो पलायन मतलब पलायन भी कह सकते हो या आप ये भी कह सकते हो जो शहर की तरफ आए थे ठीक है आप ऐसे भी बोल सकते हैं वहाँ पर है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर सर जो चीज आज अपने इंडिया में हो रही है वो वहाँ पर 1880 से शुरू हो गई थी अठारह सौ अस्सी अपने यहाँ अभी प्रधानमंत्री गृह आवास योजना चालू हुई है हाँ तो इनका वो कंडीशन था अब यही कह सकते हो अभी चलाया गया है तो कुछ कही न, कहीं ना कहीं ब्रिटेन और हाँ उससे अगर हम बात करें यूके वगैरह से तो वो थोड़ा सा डबल अभी भी हमसे डेवलप ही है ऐसी बात नहीं है लेकिन ये है कि हम लोग भी उनसे कम नहीं हैं हम लोगों ने भी बहुत कुछ कर रखा है ठीक है जो टक्कर देते हैं अमेरिका को भी आप देखिए पूरा वर्ल्ड के मैप में एक छोटा सा एक जगह इंडिया होगा पूरे वर्ल्ड में ये सबको टक्कर देता है इंडिया सभी चीज़ों को है ना सभी देशों को भी चलिए आगे अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये चीज़ें थी अगर हम बात करें सामुदायिक संगठन में तो आप देखिए इसका मतलब होता है कि किसी समुदाय की आवश्यकता और साधनों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लेकर समस्या का समाधान किया जाता है तो हम किसी समस्या का अगर समाधान करेंगे तो हम पहले किसी कम्युनिटी में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि भाई इस घर में क्या समस्या है इस घर में क्या समस्या है इस घर में क्या समस्या है मतलब जितने मकान वगैरह हैं हम पहले उनकी समस्याओं के बारे में देखेंगे हर एक मकान मतलब डोर टू डोर जो आप देखते हैं उन चीज़ों को आप यहाँ पर यूज़ करेंगे वॉल भित्ती आपने नाम सुना होगा पोस्टर के बारे में आपने पोस्टर के माध्यम से भी आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे और आप लगाएंगे, भाई कि भाई यहाँ पर मैंने कैंप लगा दिया है एक लोग वहाँ पर आइए और आप लोगों के बारे में जो है टीकाकरण की बात यहाँ पर चल रही है तो आपने वॉल भित्ति का प्रयोग कर लिया या एक प्रकार से पोस्टर का प्रयोग कर लिया इस तरीके के माध्यम से आपने हो सकता है वहां के जो समुदाय के जो प्रधान प्रधान थे जो प्रधान थे उस गांव के उस एरिया के उस समुदाय के जो पंचायत के लोग थे उनसे आपने मिला और मिलकर आपने उनकी समस्या को सुना और उसके बाद आपने क्या किया एक कार्यक्रम रखा और इसकी वजह से आपने उस उन व्यक्तियों के जितने भी व्यक्ति लोग हैं जितने भी इन समुदाय की समस्या है उन सभी समस्याओं को आपने दूर किया यह इस तरीके से काम होता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में है ना ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें माइकलीन के बारे में तो माकलिन ने कहा है कि उन्नीस में कि सामुदायिक संगठन कार्यात्मकता और भौगोलिक क्षेत्र के समाज के कल्याण आवश्यकता और समाज कल्याण साधनों के बीच में प्रगतिशील एवं अधिक प्रभावशाली समायोजन लाने और उसे बनाए रखने की क्रिया या प्रक्रिया भी कह सकते हो जिसके उद्देश्य समाज कार्य के उद्देश्य के अनुरूप और उसका या इसका प्राथमिक जो प्रारंभिक ध्यान बिंदु होगा वो व्यक्ति की आवश्यकता होगी उसको पूरा करना और उसी के माध्यम से उसको प्रावधान भी देना तो इतनी बड़ी परिभाषा याद करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ें हैं बशर्त आप ये ध्यान रखें यहाँ पे कि समाज कल्याण साधनों के बीच प्रगतिशील समायोजन लाना और यह क्रियाविधि किसके लिए किया रही है जो व्यक्ति है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना भाई आवश्यकता कब पूरा करोगे जब उसकी समस्या देखोगे समस्या देखने के बाद आप संसाधन का प्रयोग करोगे समायोजित करोगे है ना फिर उसको क्या करोगे भाई प्रावधान वगैरह से माध्यम से उसे जोड़ोगे प्रावधान वगैरह भी दोगे प्रोवाइड करोगे जो भी उसके अधिकार होंगे उसको आप उससे रूबरू करवाओगे उससे अधिकारों से तो यह हो जाता है मैकलिन की परिभाषा में ठीक है आगे अगर हम बात करें तो एक और आपका नाम देख रहे हैं लिंडे मैन का नाम जहाँ पर सामुदायिक संगठन समाज सामाजिक संगठन का वो स्तर है जिसमें समुदाय के द्वारा चेतन प्रयास किए जाते हैं और जिसके द्वारा वह अपने मामलों का ठीक है प्रजातांत्रिक ढंग से नियंत्रित करता है और अपने विशेषज्ञ और संगठनों के संस्थानों और संस्थानों के संस्थानों और संस्थानों से जाने पहचाने स्तर के संबंध में या उसके संबंधियों के द्वारा एक उच्च कोटि के सेवा प्रोवाइड करना देखो यहाँ आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि महोदय इस महोदय ने लिंडेमैन महोदय ने कहा कि चेतना प्रसार के बारे में चेतना जब तक चेतना प्रयास कहने का मतलब जब तक जागरूक नहीं होंगे आप तब तक उस समुदाय की समस्या का आप समाधान नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कोई बात किया है तो चेतना प्रयास की बात किया है समुदाय के द्वारा फिर इन्होंने कहा लिंडे ने कि अपने मामलों का प्रजातांत्रिक ढंग से क्या करेंगे प्रजातांत्रिक ढंग से हम उसे नियंत्रित करेंगे और उसको उच्च कोटि के सेवाएं प्रोवाइड करेंगे उसको विभिन्न प्रकार के संसाधन प्रोवाइड करेंगे विभिन्न प्रकार के माध्यम से उसको हम क्या करेंगे समाज की मुख्य धारा से जोड़ेंगे ये थी लिंडे मैन की परिभाषा ठीक है आज के लिए इतना ही रखो फिर मैं आप लोगों से कल जो है डनहम का नाम इम्पोर्टेंट है इसी डनहम से आगे स्टार्ट करूंगा ठीक है ठीक है भाई यहाँ से मैं कल स्टार्ट कर दूंगा कम्युनिटी के बारे में आज मैंने, मैंने बताया एक मिनट कम्युनिटी के बारे में मैंने आज जो बताया है आप लोगों को ध्यान रखिएगा केवल कम्युनिटी में आपको ग्रामीण समुदाय और शहरी समुदाय की विशेषता परिभाषा बताया है समझाया भी अच्छे से फिर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के थोड़े से जो कॉन्सेप्ट बताया है वहाँ पर लिंडे मैन का नाम और माइकलिन का नाम ये ध्यान रख लीजिएगा बाकी आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ से डनहम का नाम यहाँ से आप लोगों को परिभाषा जो है इम्पोर्टेंट बनेगी यही क्लास में आप लोगों को कल जो है शुरुआत करूँगा इसी क्या आगे।, आगे इसी से स्टार्ट करूँगा